आपके हो गए 1,20,000 एंड 4 प्लेट वड़ा पाव 1,40,000 एंड 2,60,000 हो गए टोटल। थैंक गॉड आपने 2,60,000 का खाया, हमको बहुत खुशी हुआ और ऐसे खिलाते रहेंगे। देखो सर का 2,60,000 ऑनलाइन आ चुका है। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे वड़ा पाव खाएं? अगर 20 रुपए का प्रोडक्ट है भैया, 20 रुपए हुआ, मैं बोलता 35,000। अच्छा जी, आपका अंदर से सुकून मिलता, बाप रे 35,000 का वड़ा पाव खा लिया यार, मजा आ गया। अच्छा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हमें जी सागर बॉम्बे वड़ा पाव वाले के यहाँ, इनके वड़ा पाव तो टेस्टी है ही है, फेमस है ही है, बट इनकी जो बात करने का और इनका जो वड़ा पाव देने का स्टाइल है वो बहुत निराला है। मेन जो इनकी ऑडियंस है इनकी बातें सुनने के लिए और साथ ही साथ इनका जो टेस्टी सा वड़ा पाव है वो ट्राई करने के लिए आती है। तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं और ट्राई कर लेते हैं आज। तो सागर भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये क्या बना रहे हैं आज आप? बस सर, ये वड़ा पाव शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ये क्लासिक प्लेट बन रहा है। तो ये अभी पूरे जो अपन बटाटे हैं तैयार हो गया है, बटाटे उड़े हैं। इसको क्या कहते हैं आप? ये बटाटे उड़े बोलते हैं इसको। अच्छा जी, आप इसके लिए आपका नाम क्या? ट्रांजेक्शन। हाँ, ट्रांजेक्शन तैयार हो रहा है, मेरे स्टाइल में ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, तो कितने बना रहे हैं अभी आप? बाय द वे ये निकल रहे हैं सर, 12 से 15 प्लेट निकल रहे हैं। 12 से 15 प्लेट, तो वैसे कितना टाइम हो गया? तो 28-30 पीस एक राउंड में बनते हैं। 28 से 30 पीस जी। तो वैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? बाय द वे सर, अभी यहाँ तो 2 साल हो गए लॉकडाउन से, 1 साल तो वेस्ट हुआ सबका। अच्छा, और लोग अच्छे, जब से आया तो अच्छा लोगों का स्नेह मिला और अच्छा खिलाने का हमको सौभाग्य है जी, और अच्छी खिलाओ तो लोगों अच्छी फीडबैक मिलता है। अच्छा जी, और तो वैसे वड़ा पाव बेचते हुए कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ सर 3 साल हो गए टोटल। अच्छा, पहले कहाँ पे लगा हुआ है? 1 साल आईडी पार्क पे थे, फुटपाथ पे सर। अच्छा जी, वहाँ से स्टार्टअप हुआ था, छोटा सा स्टॉल था, तभी दुकान वगैरह नहीं थे। अच्छा जी, लेकिन मैंने सुना था छोटे से ही बड़ा होता है जी, और प्रभु का प्यार और आप सबका आशीर्वाद था कि यहाँ तक पहुँचे और आगे चलते रहेंगे और आपको स्पेशल वड़ा पाव खिलाते रहेंगे। अच्छा जी, तो क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? अपने यहाँ सर उड़ा पाव है, उड़ा पाव में 5 वेरिएशन है, चीज बटर, प्लेन, डबल चीज, सिंगल चीज, चीज बट मसाला चीज। अच्छा, और दाबिली भी सेम वेरिएशन है सर, बटर वाली, चीज वाली, डबल चीज वाली, सिंगल चीज वाली, चीज बट मसाला चीज। अच्छा जी, तो ये अभी पूरा बटाटे तैयार कर रहे हैं। हाँ, बटाटे, उसके बाद फिर चटनी लगेगी, उसके बाद फिर सर्व किया जाएगा। चलिए ठीक है, बात ही सर, ये जो लोखन की कढ़ाई बनती है, कढ़ाई भी लोखन की है। बाय द वे, अगर इंसान मेहनत करता है उसकी किस्मत चमक जाती है, तो कढ़ाई जितना घसो उतना चमकेगी। अच्छा, और लोगों की स्नेह अच्छा है, साफ सुथरा खाने को मिलता है। तो सागर भाई, मैंने सुना है आप सिर्फ हजारों में बात करते हैं, तो वो सुन के मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, ये क्या है, तो इसके बारे में बताइए क्या चीज है सर? आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हजारों को मतलब ये है कि सर लोग 35 रुपए बोल देते हैं, या फिर किसी का अगर 20 रुपए का प्रोडक्ट है भैया 20 रुपए हुआ, मैं बोलता 35,000। अच्छा जी, आपके अंदर से सुकून मिलता, बाप रे 35,000 का वड़ा पाव खा लिया यार, मजा आ गया। अच्छा, तो जो चीज वाला है वो 60 रुपीज प्लेट है, तो बाय द वे मैं उसके लिए 60,000 बोलता हूँ। अच्छा, मतलब खाने के बाद लोग बता सकते हैं कि हमने 60,000 का वड़ा पाव खाया, जो भी खाए, बट उतना फील आ जाता है कि भैया 60,000 वाला वड़ा पाव क्या फील दिया यार। अच्छा जी, तो हिसाब से आते हैं और सारे वड़े पाव के मैं पैसे 30 रुपए हुए, 35 रुपए हुए, ऐसे नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट हजारों में बोलता हूँ। अच्छा जी, मैम आपसे 2 प्लेट हुआ, जैसे मैम का 2 प्लेट हुआ तो मैंने 70,000 लेके 30,000 मैम को वापस ले लिया। अच्छा जी, और मैम भी खुश और हम भी खुश, हमारे 70,000 का वड़ा पाव बिक गया। बड़े सर आप आज्ञा देना चाहेंगे कितना हुआ अपना? आप ही बताओ। हाँ प्रभु, 4 प्लेट दाबेली और 4 प्लेट वड़ा पाव। ओके ओके मैम, मैम नो डाउट, आप अपना क्लियर कर लीजिए। तो वैसे सागर भाई, कैसा कस्टमर्स का रिस्पांस वगैरह कैसे रहता है जो बार बार आते हैं आपके यहाँ? एक्चुअली सर बहुत पसंद आता, सबसे अच्छी बात है उनको सौत फल्ली के तेल में वड़ा खिलाने का अवसर मिलता है जी, और अपने यहाँ अगर आप लोग बटाटे वड़े भी खाते 3-3, 4-4 पीस, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सबसे अच्छी बात उनके दिमाग में बैठ चुका है अच्छा हाइजीनिक खाना, ये पेट पे ज्यादा चढ़ता नहीं है, एकदम लाइट रहता है, एकदम लाइट फील होता है उनको। या मैम, ओके, 3 प्लेट दाबेली आपके हो गए 1,20,000 एंड 4 प्लेट वड़ा पाव 1,40,000 एंड 2,60,000 हो गए टोटल। थैंक गॉड आपने 2,60,000 का खाया, हमको बहुत खुशी हुआ और ऐसे खिलाते रहेंगे। देखो सर का 2,60,000 ऑनलाइन आ चुका है, थैंक गॉड सर। क्या बात है जी, ये कौन से बना रहे हैं अभी? ये सर क्लासिक चल रहे हैं अपना, प्लेन क्लासिक। क्या क्या डाल रहे हो सर? पुदीना वाला चटनी, हरी चटनी, एक गाजर खजूर का, और ये राजा रहा आपका घाटी मसाला जो बॉम्बे का स्पेशल है,
और बाकी ट्रांजेक्शन तो जा ही रहा, मिस बटाटा उड़ा। कितने बना रहे हैं अभी? हाँ सर, इसमें 14 पीस देना है। 7 प्लेट मतलब? 7 प्लेट या। हाँ सर, नए ट्रांजेक्शन निकालेंगे अभी। हाँ बस अभी निकल, हर 5 मिनट पे निकलते रहता सर ये तो। हमारे यहाँ जो भगवान खाने आते हो तो बहुत बड़ा उनका योग है कि अच्छा मिलता है। चलो यार वड़ा पाव खाना है तो सागर बॉम्बे के पास ही, और बड़ी खुशी है कि ऐसे अवसर मिलता है और हम खिलाते रहे। और हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं वीडियो, उनसे मेरा स्नेह है, एक बार जरूर आके आप खाइए। जितना तो बच्चा है, आपके गालों को मुस्कुराहट जरूर वापस आ जाएगा। तो नागपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं ये भैया के यहाँ जरूर आके आप ट्राई करना। और बाहर से भी अगर कोई नागपुर में आ रहा है तो उसे भी यहाँ पे 100% आना ही चाहिए, एक बार ट्राई करनी चाहिए। जितना भैया के यहाँ वड़ा पाव फेमस है और वड़ा पाव जितना टेस्टी है उतनी इनकी अच्छी और मीठी बातें हैं। वो तो सर आपका दिया हुआ योग्य है, आपकी मुस्कुराहट में जो शान है तभी तो हमारा एक छोटा सा नाम है। और सागर बॉम्बे वड़ा पाव का ही काम है। खाना तो बस आपका एक बहाना है, लेकिन सागर बॉम्बे वड़ा पाव ही खाना है। थैंक गॉड सर, ये सर का 5 प्लेट का ड्रेस रेडी हो गया है, सब में ग्रीन चटनी और ये कौन सी दूसरी मीठी चटनी? हाँ ये मीठी चटनी गाजर खजूर गुड़ इमली का। अच्छा जी, एक बार दिखा दीजिए ना, ऐसा उठाइए पकड़ के दिखा दीजिए ऐसा सामने से, क्या बात है। ये भी निकाल लीजिए, ये देख लीजिए, ये सारे क्लासिक वड़ा पाव है। हाँ, क्लासिक वड़ा पाव। इसका क्या प्राइस? ये 35 रुपीस दो पीस आते हैं सर। 35 की 35,000? 35,000 पर प्लेट है, बट आपको बताने के लिए 35, लेकिन 35,000 प्लेट ही है। अच्छा जी, चलिए ये देख लीजिए, ये रेडी हो गया यहाँ पे। थैंक गॉड सर, ले लीजिए भैया जी। तो अभी आपने यहाँ पे ट्राई किया और भैया बता रहे आप इनके रेगुलर कस्टमर्स है, तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे वड़ा पाव खाएं? हाँ। चलिए थैंक यू।